हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट एंड ईएससी मैकेनिकल इंटेंट। सो दोस्तों, आज मैं ग्राइंडिंग व्हील के सिलेक्शन के बारे में आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। और ग्राइंडिंग व्हील के सिलेक्शन में हमें व्हील लोडिंग को ध्यान में रखना होता है। तो कई बार दोस्तों व्हील की लोडिंग हो जाती है, जिसकी वजह से व्हील प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता। तो ये व्हील लोडिंग क्या होती है, इसके क्या रीजन्स हो सकते हैं, व्हाट इज़ अ व्हील लोडिंग एंड व्हाट आर द डिफरेंट रीजन्स, उसकी आज दोस्तों आपसे मैं बात करने जा रहा हूँ। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। दोस्तों, ये स्लाइड मेरा लिटिल इंट्रोडक्शन है। मेरा नाम गौरव बाबू है, मैं पिछले कई सालों से गेट और ईएससी की फील्ड में पढ़ा रहा हूँ दोस्तों। ये मेरे बारे में थोड़ा सा यहाँ पर लिखा हुआ है, और अगर आपको मेरे वीडियो वगैरह अच्छे लग रहे हैं तो दोस्तों आप मुझे इस लिंक पर फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, आपको मुझसे बात करनी है तो आप मुझे पर्सनली मेल भी कर सकते हो। मेरी मेल आईडी मैंने यहाँ पर मेंशन की हुई है, gaurababu2000@gmail.com। इसके अलावा दोस्तों, ये मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर है 9897104566। आप मुझे इस पर डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं अगर आपकी कोई भी क्वेरी है। इन केस मैं फ़ोन नहीं उठाता हूँ तो दोस्तों आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर दो कि गौरव सर आपसे बात करनी है, मैं खुद ही आपको कॉल बैक कर लूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करेंगे व्हील लोडिंग। तो लोडिंग क्या होता है, ठीक है, लोडिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लोडिंग, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द क्लॉगिंग। यस, इसको क्लॉगिंग भी बोला जाता है दोस्तों, व्हील लोडिंग और द क्लॉगिंग। तो व्हाट इज द व्हील लोडिंग और द क्लॉगिंग, तो इट इज द कंडीशन व्हेन द पोर्स, माइंड इट प्लीज, क्या बोल रहा हूँ मैं, इट इज द कंडीशन, इट इज The condition, it is the condition when the pores, when the pores of grinding wheel get filled with chips। तो दोस्तों, जो ग्राइंडिंग व्हील की जो पोर्स होती हैं, वो जब चिप्स से भर जाती हैं, उस पार्ट को हम लोग बोलते हैं लोडिंग होना। क्या होना, लोडिंग होना। जब ग्राइंडिंग व्हील की चिप्स, ग्राइंडिंग व्हील जब मेटल कट करेगा तो जो चिप्स होंगी वो ग्राइंडिंग व्हील के पोर्स में फंस जाएंगी। पोर्स क्या होता है दोस्तों, याद करिए, मैंने आपको स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाया था। तो ये एक ग्राइंडिंग व्हील का टीथ हो गया, ये दूसरा टीथ हो गया। तो इन दोनों टीथ और यू कैन से ग्रिट्स, इन ग्रिट्स के बीच में जो गैप है, उस गैप्स के अंदर चिप्स का फंस जाना इज कॉल्ड द व्हील लोडिंग। इसके अंदर चिप्स फंस जाती है दोस्तों, इसके अंदर चिप्स फंस जाती हैं। यस, इस तरह से चिप्स फंस जाती है। तो ये चिप्स जब व्हील के अंदर फंस जाती है दोस्तों, तो ये व्हील पेनिट्रेशन नहीं कर पाता। ये दांत जो है इसके, यानी कि जो ग्रिट्स जो हमने बना रखे हैं, ये ग्रिट्स वर्क पीस के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाते और मेटल कटिंग रुक जाती है, बंद हो जाती है। तो कुल मिला के वॉट इज द लोडिंग, चिप्स का व्हील के पोर्स के अंदर फंस जाना, उनके अंदर जाम हो जाना इज कॉल्ड द लोडिंग। अब इसके क्या क्या रीजन हो सकते हैं दोस्तों, उसको समझ लेते हैं एक बार। तो व्हाट आर द रीजन ऑफ द व्हील लोडिंग, देखिए दोस्तों, रीजंस की बात करें तो सबसे पहला रीजन दोस्तों जो इसका ये है, दैट इज द व्हील सेलेक्शन, रॉन्ग व्हील सेलेक्शन, रॉन्ग व्हील सेलेक्शन। कैसे साहब, याद करिए, मैंने आपको स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाया था, 0 से 7 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, डेंसर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो आपको फॉर एग्जाम्पल, आप डक्टाइल मटेरियल की मशीनिंग कर रहे हैं, जहां पे बड़ी बड़ी चिप्स बनने वाली है, कॉन्टिन्यूस चिप बनने वाली है, मोटी चिप बनने वाली है। यस, फॉर एग्जाम्पल, और डेंसर स्ट्रक्चर आपने यूज कर लिया, तो क्या होगा, मोटी चिप, वो मोटी चिप क्या होगी, वो बड़ी चिप इस व्हील के पोर्स में, देखिए डेंसर का मतलब पोर्स का साइज छोटा होना। तो दोस्तों, ग्रिड्स के बीच में साइज कम होगा, ग्रिड्स के बीच में गैप कम होगा, और इस गैप के भीतर कौन फंस जाएंगी, चिप्स फंस जाएंगी। तो आप अगर रफ ग्राइंडिंग कर रहे हैं, और रफ ग्राइंडिंग में आपने डेंसर स्ट्रक्चर यूज कर लिया, रफ ग्राइंडिंग का मतलब ज्यादा मोटी ग्राइंडिंग, मतलब ज्यादा मेटल मेटल रिमूवल, तो ज्यादा मेटल रिमूवल आप कर रहे हो, और आपने क्या यूज कर लिया, आपने डेंसर व्हील यूज कर लिया, मतलब पोर्स के बीच का गैप कम है, तो वो मोटी चिप्स इसके बीच में फंस जाएगी, व्हील लोड हो जाएगा। तो व्हाट इज द फर्स्ट रीजन, फर्स्ट रीजन इज द रॉन्ग व्हील सेलेक्शन, यानी कि डेंसर स्ट्रक्चर आपने सेलेक्ट कर लिया किसके लिए, रफ ग्राइंडिंग के लिए, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये रॉन्ग व्हील सेलेक्शन कहलाएगा, क्योंकि दोस्तों डेंसर स्ट्रक्चर हम यूज करते हैं किसके लिए, फिनिश ग्राइंडिंग के लिए, पढ़ाया था मैंने आपको, है ना, फिनिश ग्राइंडिंग के लिए। तो एक रीजन ये है। दूसरा रीजन क्या है दोस्तों, दूसरा रीजन व्हील लोडिंग का, सेकंड रीजन इज व्हेन द वर्क पीस इज टू सॉफ्ट। सेकंड रीजन इज वर्क पीस इज टू सॉफ्ट। जब वर्क पीस बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, जब वर्क पीस बहुत ज्यादा सॉफ्ट होगा तो क्या होगा दोस्तों, जब वर्क पीस बहुत ज्यादा सॉफ्ट होगा तो वो डक्टाइल, क्योंकि ऑब्वियसली डक्टाइल मटेरियल होगा वो, तो वो बड़ी चिप्स बनाएगा, बड़ी चिप्स बनाएगा, तो वो उनको फ्लो करवाने के लिए जगह नहीं मिल रही फॉर एग्जाम्पल हमको। तो जब ज्यादा ही वर्क पीस सॉफ्ट होता है तो भी हमारी पोर्स के अंदर चिप्स फंस जाती है। क्यों, क्योंकि सॉफ्ट वर्क पीस क्या प्रोड्यूस करेगा, बड़ी चिप्स, लॉन्ग चिप्स प्रोड्यूस करेगा,
उस लॉन्ग चिप्स के फंसने की पूरी पूरी संभावना होगी। तो व्हाट इज द सेकंड रीजन? वर्क पीस इज टू सॉफ्ट, ज्यादा ही सॉफ्ट वर्क पीस है। तीसरा रीजन दोस्तों व्हील की लोडिंग का, जो आपको समझना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, वो है दोस्तों आरपीएम का कम होना। ठीक है, व्हील स्पीड इज स्लो, ठीक है, मतलब कि लेस आरपीएम, यानी व्हील कम आरपीएम से घूम रहा है। अब दोस्तों आरपीएम से क्या ले लेना देना, बहुत बड़ा ले लेना देना है। कैसे, सामने देखो, सपोज दिस इज द व्हील और उस व्हील के अंदर ये होगा इसके, लेट अस अज्यूम ये इसके ग्रिड्स हैं, और इन ग्रिड्स के बीच में कौन फंसा हुआ दोस्तों, इन ग्रिड्स के बीच में मैं तीन ही ग्रिड्स बना रहा हूँ समझाने के पर्पज से, चिप्स फंसी हुई है, ये चिप्स फंसी हुई है, फॉर एग्जाम्पल ये चिप्स फंसी हुई है। अब आरपीएम लो होंगे तो क्या होगा दोस्तों, अब ये एन आरपीएम से ऐसे करके घूम रहा है, तो दोस्तों आप जानते हो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है दोस्तों, है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो दोस्तों इस चिप्स के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करेगा इस तरह से बाहर की तरफ, ठीक है, एफ सी, एफ सी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, कटिंग फोर्स नहीं है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो दोस्तों जब आरपीएम कम होगी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम होगा तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू जब कम होगी तो चिप्स बाहर नहीं निकल पाएगी, और वहीं अगर आरपीएम ज्यादा होंगे, आरपीएम ज्यादा होंगे तो दोस्तों क्या होगा, इस चिप पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा लगेगा, चिप अपने आप ही बाहर निकल जाएगी, यानी इसके अंदर ये फंसेगी कम, बाहर ज्यादा निकलेगी। इसीलिए दोस्तों अगर बहुत ज्यादा स्लो आरपीएम पे आप मशीनिंग करेंगे, लेस आरपीएम पे मशीनिंग करेंगे, तो व्हील लोडिंग ज्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों वन मोर रीजन हियर, एक रीजन और है व्हील की लोडिंग का, सी केयरफुली, दैट इज वॉट, इम्प्रॉपर, ठीक है, इम्प्रॉपर और इनसफिशियंट यूज ऑफ, ठीक है, इम्प्रॉपर यूज और द इनसफिशियंट, यू कैन से इन सफिशियंट यूज ऑफ वॉट, इनसफिशियंट यूज ऑफ कूलेंट, और यू कैन से जो हमारा फ्लूड यूज करते हैं हम लोग मेटल कटिंग के अंदर, ठीक है, इनप्रॉपर यूज ऑफ कटिंग फ्लूड, कटिंग फ्लूड। दोस्तों कटिंग फ्लूड आप यूज नहीं कर रहे हो, या कर भी रहे हो तो प्रॉपर कटिंग फ्लूड आप यूज नहीं कर रहे हो। कटिंग फ्लूड से क्या फायदा होता है दोस्तों, कटिंग फ्लूड क्या करता है, कटिंग फ्लूड जो चिप्स होती हैं जो उसके दांतों के बीच में फंस जाती हैं, ग्रिड्स के बीच में फंस जाती हैं, कटिंग फ्लूड क्या करता है, कटिंग फ्लूड इन फंसे हुए मटेरियल को यानी चिप को बाहर निकालने में हेल्प करता है। कटिंग फ्लूड आता है तो चिप यहाँ से फ्लो कर जाती है, फ्लो फ्लोएबिलिटी बढ़ जाती है चिप के बाहर निकलने की। तो इसके दो कारण हो सकते हैं दोस्तों, कि आपने या तो कटिंग फ्लूड यूज कर रहे हो तो ज़्यादा अमाउंट में यूज नहीं कर रहे हो, यस, बस आपने सिंपली कटिंग फ्लूड को बस यूज ही किया हुआ है। तो दोस्तों अगर कटिंग फ्लूड का कटिंग फ्लूड अगर आप यूज नहीं करते तो भी चिप के लोड होने की यानी व्हील के लोड होने की संभावना होती है, चिप की व्हील के अंदर फंसने की संभावना होती है। तो दोस्तों मेनली ये चार रीजन होते हैं व्हील लोडिंग के, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, इस पर क्वेश्चन लगा के देखिए, गेट में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है गेट और ईएस में कि व्हाट आर द रीजन, तो आपके ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बाकी दोस्तों जो लोग जिनको डेप्थ स्टडी करनी है वो प्लस पे आ जाइए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इंटेन चैनल पे तो आपको केवल 10 मिनट वाले वीडियो मिलेंगे। तो अगर आपको डेप्थ स्टडी करनी है, पूरी बेहतरीन स्टडी करनी है, तो प्लस पे आइए, मेरा सब्सक्रिप्शन ले लीजिए प्लस का, ठीक है, मेरा कोड यूज कर सकते हैं आप, जीपीएस लाइव। बाकी ये सब कुछ मैंने लिखा हुआ है स्लाइड में, स्लाइड को आप देख लेना कि प्लस पे आने के क्या बेनिफिट्स हैं आपको। दोस्तों प्लस पे आने के लिए आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं 12 महीने का, 24 महीने का, मेरा कोड याद रखिएगा जीपीएस लाइव, जिससे आपको किसी भी सब्सक्रिप्शन पर 10% का डिस्काउंट मिल जाए, ठीक है। बाकी कोई भी बात करनी है दोस्तों मुझे डायरेक्टली कॉल लगाइए 9897104566 पर, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कर लो, नया चैनल है हमारा, ठीक है, और इसमें सारे कंसेप्ट 10 मिनट के अंदर डिलीवर होते हैं जो आपकी बहुत हेल्प करेंगे। अभी हो सकता है आपको चीज़ रियलाइज ना हो रही हो, बट कल जब आप तैयारी कर लोगे तब तो आपको रियलाइज होगा कि यस ये काफ़ी बेनिफिशियल है, ठीक है फ्रेंड्स। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू गाइज।